130 रुपए में तवे वाली चाप, जिसमें 2 स्टिक आपको चाप की मिलेगी, इतनी सारी ग्रेवी, साथ में रुमाली रोटी मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाए ना, 130 रुपए में बस। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे यहाँ पर काठी से। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, जहाँ पर नॉर्मली जितना हमने देखा है काठी कबाब जो मिलता है ना, वो मिलता है 200 का 225 रुपए का। समझ में नहीं आता इतना महंगा होता क्यों है, लेकिन यहाँ पर वो ही काठी कबाब सिर्फ मिल रहा है 120 रुपए में। बिलीव करोगे आप, 2 रुमाली रोटी के साथ सिर्फ 120 रुपए में काठी कबाब यार यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और बहुत ही बढ़िया रहता है। देखो रंगत चेक करो भाई, कितना बढ़िया इन्होंने फ्राई करा हुआ यार इसको। और फिर भाई इसमें डलती है ये ग्रेवी, ये मतलब टोमेटो की ग्रेवी होता है, साथ में मसाले वगैरह होते हैं जो इसमें जाते हैं, ठीक है जी। ये देखो भाई ग्रेवी थोड़ी सी पतली तो रहती है, लेकिन भाई टेस्ट आपको भरपूर मिलने वाला। अब गरम गरम तवे से जब ये ग्रेवी इसके ऊपर डल रही है ना, तो सुगंध यार हमें तो देखो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पर। और यार किसी भी चीज़ को खा लो, देखने में भी भाई देखो उतनी ही लुभावनी होनी चाहिए। टेस्ट आता है सेकंड चीज़ में, जब वो चीज़ ही अच्छी नहीं होगी ना, तो आप टेस्ट कभी भाई उस चीज़ को ना करना भी नहीं चाहोगे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त भाई ये तवा सजाते। देखिए पत्ता गोभी डाल दी भाई इन्होंने इसके ऊपर, और पत्ता गोभी आपको पता है वैसे ही महंगी आती है, और अगर जो लेता भी है उसमें भी ना कीड़े निकल जाते हैं, लेकिन भाई ये यहाँ पर पत्ता गोभी यार आपको मिलेगी, भरपूर मिलेगी। तो भाई जितना हमें लग रहा है 120 रुपये में यार क्वालिटी तो दे रहे हैं, तो महंगी तो नहीं लग रही, क्योंकि 225 रुपये की भी भाई हमने खाई हुई है चाप और काठी, दोनों ही चीज़ें। तो भाई काठी भाई अब तक तो बढ़िया लग रही है। देखिए पत्ता गोभी इन्होंने इसमें भी डाल दी, नॉट जस्ट हम ब्लॉगर्स हैं इसलिए इन्होंने ऐसा सजाया, यहाँ पर भाई ऐसा ही सच था। आप एनी टाइम यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं रामवीर चाट भंडार पे। ये देखिए भाई ये डाल दी इन्होंने मटर, मटर में भी भाई देखिए कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, इतना सुंदर इतना ज़बरदस्त इन्होंने तवा सजाया है। जनकपुरी की C4E मार्केट में शाम को 5 बजे भाई आपको ये खाने को मिल जाएगा, मतलब कि जैसे अब धूप बढ़ रही है ना, तो 5 बजे के बाद ही दोस्तों ये चीज़ें शुरू होती है, लगनी शुरू होती है, 5:30-6 बजे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और भाई ये देखो ये साथ में पनीर भी मिलेगा आपको, देखो फ्रेश पनीर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और घर का बना हुआ पनीर लग रहा है हमें तो बिल्कुल भाई, देखो है ना ज़बरदस्त। तो भाई क्वालिटी तो भरपूर मिल रही है यहाँ पर, और क्वांटिटी भी मुझे लग रहा है बढ़िया ही दे रहे हैं। तो चलो ये तो देख ली, अब दिखाऊंगा आपको मोस्ट अवेटेड चाप। अब यार 120 रुपये में काठी मिल जाएगी, 130 रुपये में चाप मिल जाएगी, तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो आप लोग डिसाइड कर लेना रामवीर चाट पे आगे आपको क्या खाना है। वही चीज़ इसमें डलेगी जो दोस्तों मैंने आपको दिखाई थी काठी में डलती हुई, वही टोमेटो की ग्रेवी का पेस्ट होता है, हल्का सा मीठे की साइड पे रहेगा ये, क्योंकि मसाले वगैरह भी भाई इसमें डलेंगे, डले ऑलरेडी खैर हुई हैं, तो अब देखते जाइए भाई आगे आगे कितना भर देते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी तो भाई पतली है, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है, इसी वजह से इन्होंने जो है वो चाप के रेट है ना भाई अपने वो कम रखे हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली तवा चाप आप देखेंगे तो 150-200 रुपये तक की मिलती है, इतनी सस्ती नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो भाई जो है वो भाई हम आपको बता देंगे रामवीर चाट भंडार पे जनकपुरी C4E मार्केट After 5 ये लगाते हैं, आपको 5:30-6 बजे दोस्तों मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें भाई ये डाल देते हैं दूध भी, अब दूध आप देख सकते हैं भाई कौन सा यूज़ करते हैं, मैंने भाई आपको दिखा भी दिया यहाँ पर, और दूध की आखिरी बूंद तक नहीं छोड़ते भाई ये, तो यार ये कोई बात थोड़ी होती है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, थोड़ा सा तो छोड़ देते हैं ना भाई, पूरा ही निचोड़ते हैं, देखो छड़का दिया डल गया ना दूध भी, बस अब ये भाई अपनी चाप रेडी है, बस ये गर्म होएगी और इसके ऊपर से थोड़ा धनिया वगैरह डलेगा, और भाई अपनी चाप और काठी भाई दोनों ही रेडी है, हम लगवाएंगे प्लेटिंग। बताओ किस चीज़ की खाओगे, बताओ बताओ चाप खाएँ या काठी खाएँ, चाप खा लेते हैं, स्टार्टिंग में वैसे भी आप लोगों ने देख लिया शाणे हो रहे हो सारे के सारे, और साथ में अधूरी चीज़ तो रहेगी मक्खन, मक्खन जाएगा, न्यूट्रल ऐड का यहाँ पर बटर यूज़ करते हैं, अमूल का बटर यूज़ नहीं करते, तो हम भी देखेंगे भाई कितनी टिक्की डालेंगे। चाप की क्वांटिटी तो भाई एकदम से बड़ी हैवी बना रखी है यार इन्होंने, तो देखते हैं भाई कितनी डालेंगे बटर, एक बटर मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्होंने 5-6 बटर खोल के रखे हुए हैं, तो सारे अगर इसी में जाएंगे तो यार ये तो और पतली हो जाएगी। चलिए देखेंगे, प्लेट लगवाएंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे, फिर भाई आप भी आना एक बार, रिकमेंड तो खरीद करते ही हैं जहाँ भी जाते हैं कि भाई एक बार ट्राई करके देखो। और जनकपुरी की ये C4E मार्केट की चाप तो भाई ऑलरेडी आपको पता ही है कितनी फेमस है, तो 2 टिक्की तो भाई अभी हमें दिख रही है पूरी पूरी तैरती हुई बटर की, और न्यूट्रल ऐड का बटर सस्ता पड़ता है भाई, देखो सबको पता है अमूल बटर ऑलरेडी महंगा पड़ता है, न्यूट्रल ऐड का बटर सस्ता पड़ता है, तो जगह जगह आपको अमूल बटर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी ना तो प्राइसिंग थोड़ी हाई की तरफ रहेगी। काठी में देखिए इन्होंने 1 स्लाइस पूरी बटर की डाल दी, तो चलिए देखते हैं काठी में और डालेंगे वो बाकी की जो खोली रखी हुई है उसको भी ये चाप में ठोक देते हैं। ये लो भाई ये भी चाप में ही डाल दी, अरे वाह भाई वाह, 4 से 5 स्लाइस, और ऊपर से भाई ये डल गया अपना धनिया,
और ये डाल दी फ्रेश क्रीम। चलो ये तो एटलीस्ट अमूल की यूज़ होती है तो क्वालिटी तो चलो ठीक लग रही है, और ये काठी पे भी डाल दी, क्वालिटी तो भाई अभी तक ठीक लग रही है। बाकी जब प्लेटिंग होएगी तब उसमें हम ये देखेंगे कि क्वांटिटी भाई हमें मिल क्या क्या रही है। तो चलिए दोस्तों अपनी प्लेटिंग की तरफ चलते हैं, और भाई हम लेते हैं मसाला चाप और रुमाली रोटी खाते हैं, मतलब कि तवा चाप और रुमाली रोटी खाते हैं। ये देखिए भाई गर्मा गर्म लग रही है, और कोई रंग वंग नहीं डाला हुआ, ऐसे दिख रहा हो ना आपको रोगन वोगन डाला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेस्ट में था ना टमाटर वाले पेस्ट में था भाई वही है, कुछ हमें इसमें रोगन तो लग नहीं रहा, क्योंकि रोगन की जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो भाई अलग सी आ जाती है मुँह में कि भाई हाँ रोगन डाला हुआ है, क्योंकि वो ऊपर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दिखता है ना, तो वही रोगन का वो होता है। ये देखिए ये इन्होंने डाल दी दो चाप की स्टिक, और काफ़ी बड़ी बड़ी स्टिक है भाई। और यार अच्छी बात ये होती है, आपको पता है किसी किसी जगह चाप ऐसी मिलती है कि वो आपको ना हाथ से तोड़नी पड़ती है अपने, मतलब कि स्टिक दे देते हैं पूरी तो वो टूटती नहीं है, इतनी सॉफ्ट नहीं होती। तो भाई यहाँ पर देखो इन्होंने पहले ही चाप तोड़ के हमें दे रहे हैं, मतलब टुकड़ों में करके पहले ही भाई हमें ये देने लग रहे। तो भाई ये भी यार बड़ी अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर। सीधा भाई रुमाली रोटी की बाइट बनाओ अपनी, और भाई लुफ्त उठाओ चाप का यार, इससे बढ़िया चीज़ यार और क्या चाहिए। अब चलिए थोड़ी सी भाई ग्रेवी भी डलेगी, और अगर आपको रिफिलिंग में चाहिए तो आप ग्रेवी रिफ़िल करवा सकते हैं, लेकिन चाप की जो है भाई आपको दो स्टिक मिलेगी। सेम गोज़ टू योर काठी, काठी में भी भाई आपको ग्रेवी मिलेगी और दो आपको काठी मिलेगी, ठीक है जी। ये लीजिए दोबारा इन्होंने अमूल की फ्रेश क्रीम इसके ऊपर डाल दी है, ये भाई धनिए से कर दी थोड़ी सी गार्निशिंग, साथ में भाई आपको मिल जाएंगे प्याज। और भाई गर्मी बहुत है तो भाई घर पे खा लो, हम तो यही कहेंगे, या फिर भाई रात को आके खाओ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ। साथ में भाई इन्होंने नींबू भी दे दिया, प्याज भी मिल गए। अब आएगी भाई दो रुमाली रोटी, और साथ में भाई चटनी भी मिलेगी जो कि रहती है प्याज की चटनी होती है भाई यहाँ पर, ये वाली, ये देखो भाई है ना। तो चाप आ गई, अब रुमाली रोटी बची है बस अपनी। चलिए देखते हैं रुमाली रोटी कहाँ पर डालेंगे भैया, क्योंकि ये तो भाई पूरी भरी चुकी है अपनी। ये देखिए भाई ये निकाल रहे हैं रुमाली रोटी, तो पहले से बनी हुई है रुमाली रोटी। गर्म करवानी हो तो यहाँ पर गर्म करने का ऑप्शन है, पीछे आप देख रहे हो ना वो लगा हुआ है, वो रुमाली रोटी का ही है भाई। तो भाई रुमाली रोटी भी फ्रेश बनती है, ऐसी कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। और अगर रुमाली रोटी में किसी में छेद वगैरह कुछ होता है ना जैसे, तो भाई वो अपने आप ही अलग से निकाल के रख देते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने दो रुमाली रोटी निकाली, इनको लगी ना एक बेकार है तो इन्होंने थर्ड भी निकाल ली, ये देखो। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं खिलाएंगे सस्ते के चक्कर में, भाई रुमाली रोटी भी उतनी ही बेहतर मिलेगी आपको, बेकार वाली रुमाली रोटी नहीं देते। ये लो भाई ये अपनी आ गई रुमाली रोटी इसके ऊपर, ये लो भाई ये हो गया काम, लग रही है ना भाई बहुत ही बेहतरीन। चलिए मैं आपको ना टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे टेस्ट आता है। ये लो भैया बहुत अपनी सुंदर सी प्लेट रेडी है, चाप के आपने पीसेस देख ही लिए ऑलरेडी, देखो ये देखो भाई चाप के पीसेस। तो चलिए भाई रुमाली रोटी खाते हैं, और भाई एक हाथ से कैमरा पकड़ो एक हाथ से रुमाली रोटी तोड़ो, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यार थोड़ी सी ना खिंचती है रुमाली रोटी तोड़ने में, और पतली इतनी होती है ना कि वो टूटती भी नहीं है, तो थोड़ा सा भी टफ हो रहा है। और ये लो भाई ये हमने तोड़ ली भाई एक रुमाली रोटी, बाइट ले ली। चलिए बनाते हैं अब इसको, चाप अभी नहीं ले रहा भाई, गरम गरम है तो मुंह फूक जाएगा, थोड़ी सी ना ग्रेवी के साथ टेस्ट करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अलग अलग की टेस्ट कैसा आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना थोड़ा मीठे की तरफ लग रहा है, तो मेरे को ना हल्का सा ना मिठास का टेस्ट आया, टमाटर की वजह से ही आया, मेरे को लग रहा था थोड़ी स्पाइसी पाएगी, लेकिन चलिए हम ना चाप टेस्ट करते हैं, क्या पता चाप थोड़ी सी स्पाइसी निकली, क्योंकि वो उसके ऊपर मसाला वगैरह भी डाल के रखते हैं ना, तो मीठा और तीखे का कॉम्बिनेशन तो भाई अच्छा बैठना चाहिए, और चटनी तो भाई भूलना मत। तो चलिए देखते हैं टेस्ट करके, चाप इज़ ओके, तो मिक्स करके खाएंगे तो भाई मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करके यार ज़रूर देखें आप भी।